अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं कि बड़ा बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द रैंप जो है वो बड़ी फाइट्स भी हो रही होती हैं, बड़ी हैसल भी हो रही होती है, मॉडल्स और फोटोग्राफर्स की लड़ाई हो गई, डिज़ाइनर्स और मॉडल्स की लड़ाई हो गई, पेमेंट के ऊपर इशू बन गया और कुछ ना कुछ, और फिर पेमेंट का तो जो आप सबसे फेवरेट जो सबसे फेवरेट लड़ाई लोगों के लिए होती है, मेरे लिए नहीं होती, वो मॉडल और मॉडल की लड़ाई हो गई। हाँ, हो जाती है समटाइम्स, बट कोई इतना ज्यादा नहीं होता सीन। मैं क्या, आपके साथ कभी ऐसे हुआ कोई? नहीं, आई थिंक आई एम अ वेरी हार्मलेस पर्सन। मैं ना फाइट्स में पड़ती हूँ ना मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई फाइट करे। आई रेदर स्टे क्वाइट एंड डोंट टॉक टू दैट पर्सन। बट आपने विटनेस किया है कभी ऐसी फाइट्स को? कपल ऑफ टाइम्स। ज्यादातर कहाँ होती हैं, शूट्स पे या रैंप के बैक स्टेज पर? शूट्स पे नहीं होती क्योंकि वहाँ पे तो मतलब अगर आपकी किसी किसी मॉडल से वैसे कोई ख्याल है, मतलब पर्सनल कोई है, तो वो अलग चीज़ होती है। अदरवाइज मैं इस चीज़ को बहुत अनप्रोफेशनल समझती हूँ कि अगर आप काम पे हैं और आप अपनी ग्रजेस जो है वो काम पे निकाल रहे हैं, मतलब काम अच्छा होना चाहिए ना, बिकॉज पीपल डोंट नो लाइक कैमरे पे जो आ रहा है कि आपकी आपस में क्या है, अगर है, अदरवाइज तो नहीं वो फिर होते। प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा अगर आप ऑन कैमरा भी वो दिखा रहे हैं, आपकी पिक्चर्स बुरी आएंगी, मतलब आपका काम खराब होगा। उसमें ये होता है कि मतलब किसी की हो भी, वैसे तो नहीं होती, बहुत कम चांसेस है कि नहीं हो, लेकिन अगर हो भी वैसे तो मैं आपकी इस बात से अग्री बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरा नहीं ख्याल कि दो मॉडल्स की आपस में ऐसा हो नहीं सकता, बहुत कम हो ये कि उनकी आपस में लड़ाई ना हो। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको किसी ने हायर किया तो किसी वजह से किया ना, और उसको हायर किया तो किसी वजह से किया, सो देयर इज नथिंग टू फाइट अबाउट इट। पर्सनल वही बात आ गई, पर्सनल ग्रजेस हो जाते हैं। अच्छा, आपका ये एक्सपीरियंस जो है वो कैसा जा रहा है और अभी फ्यूचर में आपके क्या